अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले बीजेपी के एमएलसी बुक्कल नवाब ने गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए बड़े मंगल पर हनुमान चालीसा का मौखिक पाठ किया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के खत्म होने के लिए भगवान हनुमान से प्रार्थना भी की। आपको बता दें, इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी पंडाल में मौजूद रहीं। देखिए सत्योदय की इस रिपोर्ट में। ऐसा है कि जो कार्यक्रम था वो ये भंडारे का था, चौथा बड़ा मंगल का भंडारा था। ये हमेशा हम मतलब बाहर करवाते थे, यहाँ तो बहुत प्रोग्राम किए हैं, लेकिन भंडारे का प्रोग्राम जो था वो दक्षिणमुखी मंदिर, जो जहाँ पर प्राण थाना था हजरतगंज के अंदर, वहाँ के ऊपर दक्षिणमुखी मंदिर है, वहाँ के ऊपर जो है वो मतलब हमेशा कराते चले आए हैं। चौक में कराए, सब तब कराए, 20 साल से कराते चले आ रहे हैं। और आज वही सब जो लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए हमने अपने यही अपने पिताजी का जो हमारा मंदिर है, सारे दिख भी रहा है यहाँ से, 50 फीट पे है शंकर भगवान का मंदिर। हमने कहा यहीं के ऊपर हम जो है आज भंडारा करते थे, और भंडारे और क्या नाम है हनुमान चालीसा का यहाँ के ऊपर पाठ हुआ है, और बहुत 2 मिनट के अंदर पूरे हनुमान चालीसा जो है हमने पढ़ी है। फिर यहाँ पर जितनी भी मुस्लिम महिलाएं बुरखा पोष महिलाएं थी, उन्हीं ने भी प्रार्थना की कि ये जो कोरोना है, जो घर महामारी एकदम बना हुआ है, और घर में मतलब आदमी जो है वो कैद होकर रह रहा है, मतलब उसका घर के अंदर 95% और 99% घर के अंदर टाइम देता है, और 2-1% या 3-4% जो है वो बाहर निकलता है, बहुत परेशान है। तो उससे जो है हमारे भारतवर्ष को जो है इससे मुक्ति मिल जाए, भारतवर्ष में हमारा ये कोरोना जो है यहाँ से चला जाए, ये प्रार्थना बहुत ज़ोर से और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर की गई, और ये यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, प्रार्थना की गई कि मतलब ये कोरोना यहाँ जाए। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू मुस्लिम जितनी भी बुरखा पोष महिलाएं थी, वो और हमारे हिंदू भाई सब मिल के जो मतलब ये हम लोगों ने प्रार्थना की है, ये बहुत एक अच्छा मतलब संदेश जाएगा इसका।